शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से। वाह, क्या आइडिया है। मेरी कंपनी के महंगे इंपोर्टेड कपड़े मुझे ही बेच रही। मालिकू कंपनी का, पर तुम मुझे ही चूना लगा रही हो। लो, अब क्या करना है? श्रद्धा, बताओ क्या करना है मुझे? क्या मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो तुम? पहले तुम ये फोन नीचे रखो अपना। आप भी ना अभय, कितना बोलते हैं। अब इसके पीछे मुझे म्यूजिक डालना पड़ेगा और कैप्शन भी लिख देती हूँ। चाहे पति हो गुस्से के मूड में या हो रोमांटिक मूड में, ये कपड़े पहनकर लगेंगे हैंडसम और आ जाएंगे आप ही के मूड में। ये तुम क्या कर रही हो? तुम ये पोस्ट तो नहीं करने वाली हो ना? कर दिया। श्रद्धा, इस पोस्ट को हटाओ। क्या बचपन है ये? अबे, इस बचपने में आप ही का फायदा है। श्रद्धा, फोन दो। इस आइडिया से रागनी सिंघानिया, जिसका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, उसका मुकाबला करोगी तुम? अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो तुम अभी बच्ची हो। रागनी, सच कहूं तो मैं डर गया था, लेकिन तुमने जेल से निकालकर मुझे एक और मौका दिया। कोई मौका नहीं दिया है मैंने तो। इस बेल को भीख समझ के रख लेना। प्लीज रानी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। सच में कमाल के एक्टर हो तुम राज। हर बार अपनी इस बेचारगी का ढोंग किया है ना तुमने मेरे सामने, और हर बार तुम पे भरोसा करके मैं उसमें फंसती गई। पर अब नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं। गलती मेरी ही थी जब तुम जैसे मामूली नौकर, नौकर तो वफादार होते हैं ना, तुम जैसे मामूली कर्मचारी को मैंने बॉस की कुर्सी दे दी। लेकिन तुम कब उस कुर्सी के लायक थे ही नहीं। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। तैयार हो जाओ राज, तुम्हारा अब फिर से नीचे से काम करके घिसने का टाइम शुरू हो चुका है। नहीं रागनी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरी इज्जत का सवाल है। इज्जत? तुम जैसे लोग दूसरों के पैसों पे अपनी खोखली इज्जत बनाते हैं। और वो श्रद्धा, वो भी कुछ कम नहीं।
गलती की माफी नहीं मिली तो मुझे 7 दिन का चैलेंज देकर चली गई, लेकिन इस डील की भरपाई वो सालों तक नहीं कर पाएंगे और अभय की कंपनी भी खत्म। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने ही ऑफिस और घर में बेइज्जत हो रहा हूं, जेल में बिताए एक एक पल का बदला लूंगा मैं तुमसे श्रद्धा। वाओ, इतनी अच्छी शर्ट का इतना कम दाम, इसका फैब्रिक सचमुच इंपोर्टेड है, इसका डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है, इसे पहनकर मेरे हस्बैंड तो और हैंडसम लगेंगे। ये कपड़े हम कैसे और कहां से खरीद सकते हैं? अभय, आपने देखा ये कमेंट्स? इन सब से कुछ नहीं होगा, बिजनेस का कुछ पता भी है तुम्हें? हेलो। हेलो, मैंने आपका वीडियो देखा है, शर्ट्स के डिजाइन बहुत अच्छे हैं। ऑर्डर करना था, ऑनलाइन हो जाएगा? जी जी, हम अभी उसी पर काम कर रहे हैं, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ। जी, थैंक यू। अभय, हमें हमारा पहला ऑर्डर मिल गया है और लोग हमारे दिए हुए दाम पर कपड़े खरीदना चाहते हैं, उन्हें आपके डिजाइन्स बहुत पसंद आए हैं। आज का डे वन तो तुम्हारे लिए अच्छा गया श्रद्धा, लेकिन डे टू तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। शाकिनी सिंघानिया कभी नहीं हारती, कभी नहीं। हार मानने का तो सवाल ही नहीं होता है अभय, आप देखिएगा हम कैसे अपने सारे ऑर्डर्स बिना नुकसान के निकालेंगे। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या कह रही हो? इतने महंगे इंपोर्टेड कपड़े तुम ऑनलाइन बेचना चाहती हो? मम्मा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। सिया, बड़े बात कर रहे हैं ना, बीच में नहीं बोलते, जाओ अपने रूम में, सानवी को भी लेकर जाओ। तुम्हें बिजनेस का जरा भी आइडिया है? अच्छा ठीक है, तुम ऑनलाइन बेचोगी कैसे और खरीदेगा कौन? ऑनलाइन कपड़े कोई भी कभी भी किसी भी वक्त खरीद सकता है और कहीं से भी। जैसे पहले हम अपने कपड़े लेकर दुकानदारों के पास जाते थे डील करने के लिए या फिर किसी नए क्लाइंट को ढूंढने की कोशिश होती थी, पर अब इस नए ऑनलाइन तरीके से हमें मौका मिल रहा है कि हम अपनी कंपनी को एक बड़ी पहचान दिलवा सके। अब है सोचिए ना, देश के कोने कोने में हमारे कपड़े पहुँच सकते हैं और वो भी बिना अपनी दुकान खड़ी किए। रही बात डिलीवरीज की, तो वो तो घर से ही हो जाएगी। ये तुम्हारे क्लाउड किचन का ऑनलाइन काम नहीं है जो घर की रसोई से कर लोगी तुम, ये मेरी कंपनी की इज्जत का मामला है जिसे खड़ा करने में मैंने सालों लगाए हैं, पर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये सब। एक मिनट अभय, एक तो श्रद्धा तुम्हारी मदद कर रही है और ऊपर से तुम उसे फिर से रसोई वाला ताना मार रहे हो। हो गया आप सबका, ये दो दो चार चार लोगों को बता देने से कहां तक पहुंच जाओगे? 4 लाइनें ऑनलाइन क्या पढ़ ली तुमने? तुम्हें लगता तुम कर दिखाओगी? हजारों कागजात लगते हैं, डिलीवरी एजेंट लगेंगे, उनकी गारंटी कौन लेगा? नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, उसके बारे में मैंने पहले ही सोच रखा है। ये देखिए, मेरा यकीन कीजिए अभय, हम सब मिलकर ये कर सकते हैं। और इन सब का वक्त कब निकालोगी तुम? बच्चे, घर और मम्मी, फिर से अकेला छोड़ दोगी उन्हें? वाह, ये तुम्हारा बहुत अच्छा ज्ञान है कि पत्नी सिर्फ घर तक सीमित रहनी चाहिए। जरा उसके दिमाग की गाड़ी आगे क्या बढ़ी, उसकी उम्मीदों के टायर को पंचर कर दो। रहने दीजिए बुआ जी, इस वक्त अभय की भी चिंता पूरी तरह से गलत नहीं है। श्रद्धा, एक तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हो और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। छोड़ो, हमें ना कोई बात ही नहीं करनी, हमें बहुत काम है, जा रहे हैं अब। बिल्कुल ठीक कहा बुआ जी ने, आप दोनों ना हमेशा की तरह लड़ते रहो, झगड़ते रहो, बहस भी करते रहो, मैं तो जा रही हूँ। अभय, मैं पिछले नुकसान की भरपाई करके ये सब कुछ बिल्कुल ठीक से करना चाहती हूँ, जिससे मम्मी जी के इलाज का भी अच्छे से इंतजाम हो सके। आप मुझ पर विश्वास कीजिए अभय, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। नहीं श्रद्धा, तुम फिर से अपना फैसला मुझ पर थोप रही हो।
कुछ नहीं होगा इससे, बस मेरा नुकसान होगा, पर तुम्हें समझाने का तो कोई फायदा है नहीं, इसलिए इस बिजनेस में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। शुक्रिया मेरा वक्त बर्बाद करने के लिए। क्या कर रहे? हाँ? गाड़ी में बैठा हूँ, हम ऑफिस जा रहे हैं ना। इस गाड़ी में सिर्फ मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की कि तुम यहाँ बैठोगे? जान, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी प्लीज ऐसे मत बोलो। औकात में रहो तुम, ये मत भूलो कि तुम बस एक एम्प्लॉय। ऑटो से आओ या बस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइंदा मेरी गाड़ी को छूने की भी कोशिश मत करना। रागनी मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम दोबारा मुझ पर भरोसा करने लगो? कितनी बार माफी मांगी है यार, जेल तक जा चुका हूँ, अब ऐसी सजा तो मत दो। तुम्हारी वजह से अच्छा खासा क्लाइंट मेरे हाथ से निकल गया, तुम्हारी वजह से इतना बड़ा नुकसान सहना पड़ा मुझे, और तो और अब वो श्रद्धा मुझसे मुकाबला करना चाहती है। ये बेइज्जती दी है तुमने मुझे, जो मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ ना, वो सजा नहीं है, तरस ही है, समझे? रागनी प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। चलो ड्राइवर। रागनी एक मिनट, रागनी एक मिनट, रागनी रागनी तेरी वजह से मैं सड़क पे आ गया हूँ श्रद्धा, अब तू देखना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। श्रद्धा अभी कुछ देर अभय को अकेला छोड़ दो, अभी वो किसी से भी बात करने की हालत में नहीं है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये आइडिया बहुत अच्छा है और मुझे तुम्हारे इस आइडिया पे पूरा भरोसा है। वरुण जी मैं सब समझती हूँ, कीर्ति की वजह से आप कितना। बस श्रद्धा, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता मैं अभी उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये अभय भी ना दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी उसका अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। वो मम्मी जी को लेकर बहुत परेशान है ना, इसीलिए। मैं समझता हूँ श्रद्धा, अरे बचपन से देखता आ रहा हूँ उसे, पर तुम चिंता मत करो, मुझे अच्छे से पता है उसे कैसे समझाना है। कैसे वरुण जी, क्योंकि अभय तो मेरी एक बात नहीं सुन रहे। श्रद्धा अब वक्त सुनाने का नहीं, करके दिखाने का है, हमें उसे दिखाना होगा कि तुम्हारा ये आइडिया ना सिर्फ काम करेगा बल्कि बहुत बढ़िया काम करेगा। वेबसाइट बनाने से लेकर बेचने की प्रक्रिया तक हमें उसे दिखाना होगा कि हम उसका नुकसान नहीं होने देंगे, और इसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। शुक्रिया वरुण जी आपकी इस मदद के लिए, आप इतना सब कुछ कैसे करेंगे? मतलब आपका ऑफिस भी है और फिर ये काम, ये दोनों आप एक साथ कैसे संभालेंगे? श्रद्धा वो क्या हुआ वरुण जी? वरुण जी सब ठीक तो है ना? श्रद्धा मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। वो रागनी कंपनी की बहुत बड़ी क्लाइंट, उसने मजबूर किया उन्हें मुझे कंपनी से निकालने के लिए। रागनी इस हद तक गिर जाएगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। श्रद्धा दूसरों को क्या दोष दें जब अपने ही। पर मुझे मुझे यकीन कीर्ति को बहुत जल्द अपने इस गुनाह का एहसास होगा, आप देखिएगा शायद।
सर अब कोई फायदा नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। सकता तुम्हारे, कितनी बार कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन अपनी बेइज्जती कराए बिना कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती ना। हमें कोई शौक नहीं है आपसे मिलने का, वो तो हमारी किस्मत खराब है कि बार बार आपसे मुलाकात हो जाती। यकीन मानिए ये ना एक भद्दा इत्तेफाक है। इत्तेफाक? अपनी गलतियों का इल्जाम अपनी किस्मत पर डालने की आदत है ना तुम्हारी, लेकिन आइंदा कभी मेरे सामने आई ना तो राज की तरह तुम्हारी भी किस्मत पलट के रख दूंगी। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी तुम। क्या हुआ, किसी ने तुम्हें बताया नहीं? तुम्हारे आशिक से सब कुछ छीन लिया है मैंने, वो पैसे, वो अयाशियां जिनके लिए तुम उसके पीछे भाग रही थी ना, अभी उसके पास सब कुछ भी नहीं है। अब वो फिर से मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पल रहा है। तुम्हें शायद उसकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस एक मामूली सा एम्प्लॉई था मेरी कंपनी में। दूसरों की तरह उसके काम को देखकर मैंने उसे बॉस की कुर्सी दी, उसके झूठे प्यार को सच्चा मानकर मैंने उससे शादी तक कर ली। अपनी एक इंडस्ट्री राज इंडस्ट्रीज उसके नाम कर दी मैंने, तोहफे में दे दी थी उसे, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। बहुत वादे किए होंगे ना तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ प्यार के, तो अब क्या करोगे, उन वादों को मानोगी या फिर से दोष अपनी किस्मत की लकीरों को दोगे? क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को जो अब ये नया तमाशा शुरू कर दिया? ओहो पापा, ये तमाशा नहीं है, ये फोटो शूट है। अभय, जो हमारे बड़े और खास ग्राहक थे ना, उनके लिए जो कपड़े आए थे उसके साथ साथ में बच्चों के लिए भी कपड़े थे, तो फिर उसे भी ऑनलाइन डाल देते हैं, इससे हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। ये देखा भाई, ये देख कितनी अच्छी फोटोज आई हैं। तुमने फिर से मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया, और भाई को भी खींच लिया इन सब ने। तुम्हें क्या लगता है लोगों की नजर में तुम कौन हो? तुम्हारे दिखाए कपड़े खरीदेंगे, कौन बनेगा तुम्हारा खरीदार? अरे श्रद्धा ने जो तस्वीरें ली थी और वो जो वीडियो वाले कपड़े थे, वो हमने अपने रेडियो स्टेशन वाले सारे दोस्तों को दिखाए और उन्हें वो डिजाइन इतनी पसंद आई है कि एक दो नहीं, उन्हें बहुत सारे चाहिए। अरे बुआ, लेकी और पूछ पूछ, मैं वेबसाइट बना चुका हूँ, अभी आपको लिंक भेजता हूँ, सबको भेजना। भाभी, मैंने भी ना अपने सारे दोस्तों को और उन्होंने बाकी सबको हमारी वेबसाइट के बारे में बता दिया है, देखकर तो लग रहा है कि कल तक काफी सारे ऑर्डर्स आ जाने चाहिए। वैसे वरुण की बनाई वेबसाइट से हमारी डिजाइन्स और खिल गए हैं, सबको डिजाइन्स पसंद भी आया है। थैंक यू सो मच वरुण। अभय, अभय मेरी बात सुनो, तुम अगर अभी अभय से बात करोगी तो उसे ये लगेगा कि उसके चेहरे पर नमक छिड़कने के लिए आई, थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दो तो ठीक हो जाएगा। बुआ जी, किसी भी तरह से ऑर्डर्स अच्छे से निकल जाए,
6 दिन के अंदर ये सारे ऑर्डर्स निकल जाने चाहिए और इसके पैसे आ जाने चाहिए। श्रद्धा, जब रागिनी के सामने सीना तान के तुमने ठान ही लिया है तो तुम कर लोगी। और देखो, इन सब में हम एक बात तो भूल ही गए, दुनिया भर में डिजाइन भेज दिए मगर जो कसम खास है उन्हें भेजना ही भूल गए। अभी भेज दे। हाँ मेनका, क्या कीर्ति? किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।